हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज अतीक और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपना गूगल एड अकाउंट लिंक कर सकते हैं आप गूगल सर्च कंसोल के साथ, ताकि आप यूजर की क्यूरीज को ट्रैक कर सकें या आप जो भी गूगल की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आता है वो आप ट्रैक कर सकें। तो सिंपल आप को कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको जाना टूल्स एंड सेटिंग के अंदर। टूल्स एंड सेटिंग के अंदर आपके आपको आना है लिंक्ड अकाउंट्स के अंदर। लिंक्ड अकाउंट्स के अंदर आगे आपको क्लिक करना है ये सर्च कंसोल की डिटेल पे। सर्च कंसोल की डिटेल पे क्लिक करके प्रोसीड करना है। प्रोसीड करके इधर वेबसाइट का यूआरएल आपको ऐड करना है। ये सपोज आपकी वेबसाइट का, जो मेरी वेबसाइट है उसका यूआरएल है byerhub.pk। ठीक है, ये ऐड करके मैं इधर करता हूँ इसको ऐड, कि वो कहते हैं कि कह रहे हैं कि ये HTTP इंक्लूड नहीं होना चाहिए इस पे, तो लिंक साइट करनी है। ठीक है, वो कह रहे हैं, गूगल कह रहा है कि दिस साइट हैज नो रजिस्टर्ड ओनर टू अप्रूव द लिंक रिक्वेस्ट, कि इसका कोई ओनर नहीं है रिक्वेस्ट अप्रूव करने के लिए। इफ यू आर द साइट ओनर यू मस्ट फर्स्ट वेरीफाई दी योर ओनरशिप, कि मुझे सिंपल सर्च कंसोल में जाके, पहले सर्च कंसोल में जाना है, सर्च कंसोल में जाके इसकी ओनरशिप वेरिफिकेशन करवानी है। तो उसके लिए मैं इधर सर्च कंसोल ओपन कर लेता हूँ। सर्च कंसोल ओपन करके साथ मैं अपनी साइट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, साइट ओपन करके मैं क्या करूंगा, पहले ओनरशिप वेरिफिकेशन करवाऊंगा इसकी। ओनरशिप वेरिफिकेशन के लिए मुझे क्या करना है, आना है अपने ऐड प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में। यहाँ पे मुझे डोमेन ऐड करनी है। डोमेन ऐड करके यूआरएल ऐड करके इधर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू जैसे ही मैं करूँगा, तो अगर तो मेरी प्रॉपर्टी बनी हुई पहले से, तो मुझे नहीं, अभी नहीं बनी हुई क्योंकि मुझे टैग लगाना पड़ेगा। तो ये मैं टैग कॉपी करूँगा। कॉपी करके जाके अपनी वेबसाइट के हेड टैग में लगा दूंगा। हेड टैग में लगा के तो ये मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी। फिर मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टी जब आ जाएगी तो मैं सिंपल इसको इधर अपनी वेबसाइट ऐड करके लिंक साइट पे क्लिक करूँगा, तो ये लिंक हो जाएगा क्योंकि हमने ये चीज़ अप्रूव करवा ली होगी। ठीक है, तो इस तरह आप अपना गूगल एड अकाउंट लिंक कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल के साथ। ठीक है, तो ये सिंपल आपको ये स्टेप पहले करना है अगर आपका सर्च कंसोल नहीं बना हुआ। अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है तो कमेंट के सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता तो मैं खुद रिप्लाई करके आपका इशू रिजॉल्व करवा दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह हाफिज़।